डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो चलिए इसको इस वीडियो में मैं सॉल्व करता हूं और चेक करते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है आंसर करेक्ट है या नहीं है। ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ये फंक्शन को मिनिमाइज करना है और जो मिनिमल एसओपी फॉर्म निकलेगा उसमें कितने प्रोडक्ट टर्म्स होंगे। तो चलिए जल्दी से केमैप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड फोर वेरिएबल्स हैं। सो डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे आपका डब्ल्यू एक्स, यहां पे आपका वाई जेड। सो इट इज डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स, इट इज डब्ल्यू एक्स, इट इज डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट, इट इज वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, वाई जेड, वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलिए अब फंक्शन को नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, सो एक्स कॉम्प्लीमेंट और जेड, ओके। सो ये आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड आ गया। डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स के साथ वाई कॉम्प्लीमेंट, तो ये दो मिन टर्म्स और आ गए। डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई, डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई, तो ये आ गए आपके। डब्ल्यू एक्स के साथ वाई कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू एक्स के साथ वाई कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका फंक्शन आ गया। अब अगर आप देखोगे तो आपके लिए ये, अगर दोनों मिन टर्म्स को देखोगे तो ये एक क्वाड कंपलसरी है, ये क्वाड बनेगा ही बनेगा। इस मिन टर्म को अगर मैं देखूं तो ये इसके लिए बेस्ट पॉसिबल क्वाड है, और इसके लिए ये इंडिविजुअल, आई मीन ये पेयर बनेगा। तो एक दो तीन, तीन प्रोडक्ट टर्म मिलेंगे, आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कि सर मिनिमल आंसर तो लिखिए पहले, वो भी लिखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बट कितने प्रोडक्ट टर्म्स होंगे ये डिपेंड करता है कितने ग्रुप बनेंगे, तीन ग्रुप बनेंगे, सो आंसर इज थ्री। सो जिसने भी थ्री लिखा था दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं इसका आंसर भी यहां पे आप लोग के लिए लिख देता हूं, ओके। तो ये वाला जो टर्म है, यहां से कॉमन निकलेगा एक्स, और एक्स के साथ निकलेगा वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये, सो ये आपका है एक्स कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये दोनों में एक्स कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ जेड, ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ जेड, और ये जो आपका पेयर है ये आपका निकलेगा डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहां पे कॉमन आ गया आपका वाई। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, तो योर फाइनल आंसर इज एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। सो कितने प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तीन प्रोडक्ट टर्म्स है आंसर के लिए, ठीक है, हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किया, ठीक है, ताकि आप लोगों ने सॉल्व किया था तो मैच भी कर पाते, बट पहले ही आपका आंसर थ्री आ चुका था, जैसे ही तीन ग्रुप बने थे हमारा आंसर आ चुका था थ्री, ठीक है। तो चलिए कल या जो भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए, ओके, थैंक यू।